Hello students, welcome to our today's class. In last video we completed the topic organ system of our body. उसमें हमने पढ़ लिया था skeleton system and muscular system. ठीक है, skeleton system में क्या contain होती है? Bones. ठीक है, हमारे body में कितनी bones होती है? 206. ठीक है, और हमारी body को bones क्या देती है? Support provide करती है. और बोन्स जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन यानी जो नाजुक ऑर्गन से उन्हें भी प्रोवाइड प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ा था हमने? 600 से ज़्यादा क्या होती है हमारी बॉडी में? मसल्स होती हैं. और मसल्स भी क्या सपोर्ट करती है हमें? काम करने में, मूव करने में और अदर एक्टिविटीज करने में हमारी हेल्प करती है. और अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, तो क्या होगी? हमारी मसल्स स्ट्रांग और हेल्दी होगी. नेक्स्ट है, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? खाने को पचाना. ठीक है, हमने कोई भी खाना खाया, वो बिल्कुल सिंपल सिस्टम सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा. पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होगा और फिर किसके थ्रू? एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो वो खाना कैसे एक्सक्रेटरी वेसल्स बना, उसकी सारी प्रोसेस किसमें आती है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो सब प्रोसेस होती है. ठीक है, अभी आपकी छोटी क्लासेस में इतना हम नहीं पढ़ेंगे. जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम? माउथ से. और कहाँ ख़त्म होता है? एनस पे. तो माउथ टू एनस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है. सबसे पहले हमने खाना खाया, वो किसके साथ मिक्स हुआ? सलाइवा. ठीक है, हमारी मुंह के अंदर क्या होता है? सलाइवा होता है. उसके साथ मिक्स होके वो कहाँ जाएगा? फूड पाइप के थ्रू सबसे पहले स्टमक में, फिर लीवर, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएगा और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम. द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? खाने को पचाने में हेल्प करता है जो हमने खाना खाया है. इट चेंजेस द फूड वी ईट इनटू सिंपल सब्सटेंस विच आर यूज नॉट बाय आवर बॉडी. ये क्या करता है? जो हमारी बॉडी की वेस्ट है, जो हमारी बॉडी को काम नहीं आती है, उन चीज़ों को किसमें चेंज करता है? सिंपल सब्सटेंस, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है जो हमारी बॉडी के लिए काम नहीं आते हैं. ठीक है, और जो बॉडी में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स और जो भी विटामिन्स रहते हैं, वो किसके थ्रू चल जाते हैं? वाइन्स के थ्रू हमारी नसों में चल जाते हैं. दिस इज कॉल्ड डाइजेशन. उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन. डाइजेशन क्या है? खाना जो हमने खाया है उसको किसी में चेंज करना, सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना और वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा. तो ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम आर. जो ऑर्गन्स हमारे, जो ऑर्गन्स हैं उनमें से कौन कौन से ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं? तो माउथ, फूड पाइप यानी ये फूड पाइप, स्टमक यानी हमारा पेट, इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन दो तरह के इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, और फिर एनस. सबसे पहले क्या हुआ? वी ईट फूड थ्रू अवर माउथ. डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ. हमने जो खाना खाया वो किसके थ्रू खाया? माउथ से. तो माउथ में क्या स्टार्ट हो जाता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, फिर खाना कहाँ जाएगा? फूड पाइप के थ्रू स्टमक में. द फूड पाइप पासिस थ्रू द फूड. ठीक है, फूड जो पास किसके थ्रू होता है? फूड पाइप के थ्रू पास होता है. फिर कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा. द फूड पार्टिकल गेट मिस्ड इन द स्टमक. जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ चल जाते हैं? स्टमक में. और हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है? एसिड होता है, बेस होता है. ठीक है, तो ये सब क्या है? खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिल्कुल फाइन, बिल्कुल मॉडर्न स्टेट में ला देते हैं. फिर कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन भी दो तरह की होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, इंटेस्टाइन कितने तरह की है? दो तरह की, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, इंटेस्टाइन टेक इन व्हाट टू नीडेड फूड फ्रॉम. इंटेस्टाइन क्या करती है? जो खाने में से हमको जिन चीज़ों की जरूरत होती है उनको अलग कर देती है और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होती है उन्हें अलग कर देती है. ठीक है, द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू एनस. जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिनकी हमारी बॉडी को नीड नहीं होती है, वो किसके थ्रू बाहर आ जाते हैं? एनस के थ्रू बाहर आ जाते हैं. ठीक है, तो अब तो क्या पढ़ा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? मुंह से स्टार्ट हो जाता है, माउथ में स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. फिर कहाँ जाता है? फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है. स्टमक क्या करता है? उसमें से जो स्टमक हमारे फूड पार्टिकल्स को मिक्स कर देता है. फिर इंटेस्टाइन में जाता है. इंटेस्टाइन जो काम की चीज़ें होती है हमारी बॉडी के लिए उन्हें अलग करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें एनस के थ्रू बाहर निकाल देता है.
नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ब्रिथ इन एंड ब्रिथ आउट, ठीक है, ब्रिथ इन एंड ब्रिथ आउट, ठीक है। हम कौन से ब्रिथ अंदर लेते हैं? हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कौन सी गैस ली? ऑक्सीजन। कौन सी रिलीज करी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम एयर से कहाँ से लेंगे? एयर से हम ऑक्सीजन लेंगे, और एयर में क्या छोड़ देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ब्रिथ इन की ब्रिथ आउट की प्रोसेस किस किस के थ्रू होती है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, उसको ही कहते हैं रेस्पिरेशन। इन ऑर्डर टू लिव ऑल लिविंग बींग्स नीड टू ब्रिथ इन एयर। हर जीवित इंसान को क्या चाहिए? हवा चाहिए सांस लेने के लिए। वी ब्रिथ इन ऑक्सीजन रिच एयर। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से भरपूर एयर है वो हम अंदर लेते हैं। और ब्रिथ आउट हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम बाहर निकालते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू टेक इन एयर। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में हेल्प करता है? हमारी सांस ब्रिथ को लेने में, ब्रिथ टेक इन ब्रिथ टेक आउट। द ऑर्गन ऑफ द सिस्टम आर द नोज विंड पाइप एंड लंग्स। अब कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड्स हैं? कौन कौन से ऑर्गन काम आते हैं? हम सांस किससे लेते हैं? नाक से। तो नाक, एक तो नोज हो गई, फिर सांस किसके थ्रू जाती है? फूड पाइप के थ्रू लंग्स में जाती है। कहाँ जाती है? फूड पाइप के थ्रू लंग्स में जाती है। हमने सांस कहाँ से ली? नॉस्ट्रिल, ठीक है। नाक के जो छेद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल, ठीक है। नॉस्ट्रिल के थ्रू फूड पाइप में, ठीक है। फूड पाइप से फिर लंग्स में चल जाती है। कहाँ जाएगी? फूड पाइप के थ्रू लंग्स में चल जाएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ? वी ब्रीथ इन थ्रू द नोस्ट्रिल ऑफ आवर नोज। हमने नाक के जो छेद है उन्हें क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल, उनके थ्रू सांस ली, ठीक है। एयर पास थ्रू द विंड पाइप टू द लंग्स। अब एयर कहाँ से जाएगी? विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाएगी। अब लंग्स का काम क्या है? अब जैसे ही अंदर गई एयर, जैसे अंदर एयर गई तो लंग्स क्या है? फूल जाएंगे। इनफॉल्ट यानी फूलना। जैसे अंदर गई, अगर आप किसी चीज में एयर भरेंगे, आपने मान लीजिए अपने लंग्स क्या है? बलून है, ठीक है। लंग्स क्या है? एक तरह का बलून है। तो बलून में आप हवा भरेंगे तो कैसा हो जाएगा? फूल जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? बलून फूल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे लंग्स में एयर जाती है तो ये क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। और जैसे ही एयर बाहर निकलती है तो यहाँ पे स्मॉल, अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, छोटे हो जाते हैं, कह सकते हैं छोटे हो जाते हैं, ठीक है। हवा आई तो क्या होंगे? फूल जाएंगे। और हवा गई तो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन या चपटे हो जाएंगे। अब लंग्स क्या करते हैं? इन लंग्स ब्लड टेक इन ऑक्सीजन। जो ब्लड है वो क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। इसमें से लंग्स में से, ठीक है। एंड पासिस कार्बन डाइऑक्साइड आउट टू अवर जो, और कौन सी गैस पास करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को पास करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हुआ? सबसे पहले नोस्ट्रल से कहाँ गई? एयर गई। कहाँ पे? फूड पाइप में। और फूड पाइप से कहाँ गई? लंग्स में। और लंग्स में जैसे एयर जाएगी, लंग्स क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, इनफॉल्ट हो जाएंगे। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो क्या होंगे? वापस एयर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। वे ब्रिथ इन एयर थ्रू आवर नोज। हम सांस किससे लेते हैं? हमारी नाक के द्वारा। वेयर फ्रॉम इट रीच द लंग्स। और ये कहाँ तक जाती है? लंग्स तक जाती है। द फाइन हेयर इन द नोज ब्लॉक द डस्ट पार्टिकल कंटेन इन द एयर। अब एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी नाक में, आपने नोटिस किया होगा, हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को अपनी नाक में ही रोक लेते हैं। वी मस्ट ब्रिथ थ्रू द नोज। हमें किससे सांस लेनी चाहिए? नाक से ही सांस लेनी चाहिए, नॉट थ्रू द माउथ। मुंह से नहीं लेनी चाहिए। ब्रिथ प्योरीफाइज द ब्लड एंड हेल्प अस टू ऑब्टेन एनर्जी। जो ब्रीथिंग है वो किस में हेल्प करती है? ब्लड को प्योरीफाई करने में, साफ करने में, और हमारी बॉडी को एनर्जी ऑब्टेन करती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ब्लड का, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में करना, वो किसके थ्रू होता है? हार्ट के थ्रू होता है, ब्लड और ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प टू कैरी ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाता है। ब्लड कैरीज वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। एड ब्लड क्या कैरी करता है अपने साथ साथ? वाटर, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन उसमें रहता है। द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम आर, जो सिस्टम में काम आने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से? हर्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा?
द हार्ट वर्क लाइक अ पंप, जो अपना हार्ट है वो किसकी तरह काम करता है, पंप की तरह। पंप आपने देखा होगा साइकिल वाले की शॉप पे क्या होता है, पंप जिसमें से क्या निकलती है, अगर आप उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो वो एयर को छोड़ता है, तो एयर, तो उसी प्रकार जो पंप है ये मतलब हार्ट है वो किसकी तरह काम करेगा, पंप की तरह। तो क्या करता है, जो पुश करता है ब्लड को और वो सारी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में रन करता है, ठीक है। तो हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, पुश करेगा किसको, ब्लड्स को। ब्लड को कहाँ करेगा, सारे पार्ट्स तक, और सारे पार्ट तक कैसे जाएगा, ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू, नसों के द्वारा, ठीक है। द ब्लड वेसल्स ब्रांचेस ऑफ एंड गो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या है, ब्रांचेस की तरह फैली हुई है और सारे बॉडी पार्ट्स तक जाती है। ब्लड वेसल्स फ्लो थ्रू द ब्लड ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स। खून किसके इसमें दौड़ता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी सारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका था, सांस लेना और सांस छोड़ना। ब्लड का क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।